तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 5600 से भी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ में आप लोग घर बैठे बिना किसी एप्लीकेशन फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस के कैसे फ्री में आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं और आप सभी का सपना है साल 2022 के अंदर इंडियन रेलवेज को ज्वाइन करने का, रेलवे के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब पाने का, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इसके नीचे स्क्रॉल करके सबसे पहले आपको शेड्यूल दिखाना चाहूंगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 30/5/2022 यानी कि 30 मई के दिन ये नोटिफिकेशन वेबसाइट के अंदर पब्लिक किया गया है। आप लोग जो फॉर्म भरेंगे उसकी डेट है 1/6/2022 यानी कि 1 जून से लेकर क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 30/6/2022 यानी कि 30 जून तक की। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रेलवेज के अंदर यहाँ पे 5,636 स्लॉट यानी सीट्स पर ये वैकेंसी आउट की गई है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग किसी भी तरह का ऑफलाइन अप्लाई यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन यानी कि चयन कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर साफ साफ बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको और भी जानकारी दी गई है कि कैसे किस बेस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको जानकारी है, यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे वैकेंसीज हैं और एड्रेस है यूनिट का, आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन सी यूनिट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं और इसका क्या एड्रेस होने वाला है जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पे बहुत सारे यूनिट हैं, टोटल वैकेंसी है 5,636, आप लोग इस बार जरूर से अप्लाई करें। यहाँ पे देखें, नो फिजिकल कॉपी ऑफ दी एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू RRC यूनिट्स, इट मीन्स कि जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसकी कोई भी फिजिकल यानी कि हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आप लोगों को यहाँ पे डिटेल वैकेंसी दी गई है, यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे, टोटल यहाँ पे कोटा मिल जाएगा और जर्नल यानी कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जर्नल OBC, SC, ST, ASM और PWD कैटेगरी, और साथ में ट्रेनिंग पीरियड भी दिया गया है कितने समय का यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। अब आप लोग यहाँ पे यूनिट वाइज, कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसीज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टोटल आपको 19 पेजों का PDF मिलेगा। बात करें अगर आपकी यहाँ पे उम्र क्या रहेगी, कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 24 साल। इसके बाद यहाँ पे 5 सालों का उम्र में छूट मिलेगा, तो यहाँ पे 24+5 करेंगे तो 29 हो जाएगा, यानी कि 15 साल से लेकर 29 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग पर्सन विथ डिसेबिलिटी इट मीन्स कि PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 सालों का छूट मिलेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे 34 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, एक्स सर्विस मैन के लिए कुछ बोला गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास यहाँ पे बोला गया है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि स्कीम यहाँ पे 10+2 के अंतर्गत होनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करेंगे, लिंक कहाँ से मिलेगा, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, ये सब आपको आगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवे की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पर बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर 5600 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए लिंक्स भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अगर आप लोग एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से अप्लाई करें। आगे आपको बताएंगे कि बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के कैसे आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर अप्लाई कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल, इट मीन्स कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन फिल कर सकते हैं। आपकी एज यहाँ पे 18 साल कम से कम, 29 साल अधिक से अधिक, प्लस यहाँ पे छूट मिलेगा जहाँ पे 34 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप लोग पास हैं तो ज़रूर से आवेदन फिल करें और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें ताकि अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, वहां से आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों आपको अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख पाएंगे रेलवे रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। आपको आवेदन ऑनलाइन तरीके से ही फिल करने होंगे। अगर आप लोग घर पे रह के किसी भी कंपनी के लिए काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में है, तो लिंक यहाँ पे दिया गया है। एक बार जरूर जाके विजिट करें और अपने मनपसंद कंपनी में काम करके घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी डिटेल की बात करें, टोटल आपको 5636 पोस्टें यहां पे देखने को मिलेंगी। पोस्ट नेम की बात करें तो आपको अप्रेंटिस की वैकेंसीज यहां पे देखने को मिलेंगी। इम्पोर्टेंट डेट है 1 जून 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपकी एज है जो कि मिनिमम यहाँ पे कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 29 साल की होनी चाहिए, प्लस छूट मिलेगा तो अगर 34 साल तक के कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज का लगेगा, जर्नल प्लस ओबीसी का यहाँ पे 100 रुपये। बाकी अगर आप लोग किसी और भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी पीएच या पीडब्ल्यूडी या फीमेल, तो आप लोग निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे के बारे में। क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड होंगे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा एनएफआर, जो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग चाहें तो भारत के किसी भी राज्य से आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे आपको वेतन देखने को मिलेगा। वेतन यहाँ पे देख सकते हैं एज पर रूल्स, यहाँ पे इनके रूल के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। बाकी एजुकेशन है, जहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन प्लस यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो 30 जून 2022 तक कैसे भी करके आपको जरूर से आवेदन फिल कर देने हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का चयन होने वाला है। देन आपको मिल जाएगा इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन, यहाँ पे पहले नंबर पे वर्क फ्रॉम होम जॉब का ऑप्शन है, सेकंड पे अप्लाई का और थर्ड पे डाउनलोड नोटिफिकेशन और इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट का। नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डाउनलोड की बटन आएगी इस पे क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को किसी भी पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन कर लेंगे। जब ये ओपन हो जाए तो आप लोग इसमें से सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आ जाना है अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे। अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेज मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 20 से लेकर 23 के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग अप्लाई करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें ताकि आपको अप्लाई करने का वीडियो टाइमली मिल सके और आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अप्लाई करके एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब पा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।